एज अ सम ऑफ, और इसके अंदर है क्वेश्चन आपका e की पावर 3x, लिमिट्स हैं 1 से लेकर 2 तक, ठीक है, माइनस वन से टू तक। -1 से लेकर 2 तक e की पावर 3x dx को रख लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे को एलजेब्रा वाले क्वेश्चंस करने आवे, और अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। देखिए तरीका, एक्सपोनेंशियल वाले तरीके के अंदर आप जब लास्ट में जो ब्रैकेट लगाते हो वो ब्रैकेट नहीं लगाओगे, मतलब ई की पावर वाले समेशन वाली ब्रैकेट नहीं लगाओगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ई लिखा हुआ है। यहाँ पर जीपी फॉर्म करने की कोशिश करते हो, मैं आपको जीपी सिखाता हूँ। आपके पास ए कितना है -1, आपके पास बी कितना है वो आपके पास में 2 है, तो एन एच कितना होगा आपके पास, एन एच होगा आपके पास बी माइनस ए, दैट इज 2 माइनस -1, तो ये आपके पास बन जाएगा 3। अब इसका ना बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट है इस क्वेश्चन का, मतलब है बहुत आसान, मैं वैल्यूज पुट नहीं करूंगा, सिर्फ जनरल फॉर्म में लिखो, कभी वैल्यूज पुट मत करो, हमेशा वैल्यूज लास्ट में पुट करो, क्योंकि तुम्हारी वैल्यूज पुट करने में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी और इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत होगा। क्वेश्चन जहां से गलत होगा वहीं से मार्क्स कटेंगे, तो आप इसे जनरल फॉर्म में लिखोगे, आप लिखोगे एफ एक्स, एफ एक्स इज वॉट, इट इज ई की पावर 3x। नाउ वी सब्स्टिट्यूट एक्स एज ए, तो एफ ऑफ ए इट विल गिव यू ई की पावर 3a, ठीक है। अब आप एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच ई की पावर 3, और ये बन जाएगा आपके पास ए प्लस एच, तो इट विल गिव यू ई की पावर 3a, और ई की पावर कितना आपके पास 3h, ठीक है। अगर आप इसको खोलोगे ना 3a+3h, तो आप इसे e की पावर 3 इनटू e की पावर 3h लिख सकते हो। अब आप लिखोगे f a प्लस में कितना होगा आपके पास में 2h, ये होगा आपके पास e की पावर 3 है, e की पावर 3 h की जगह आपके पास में 2h बेटे, फिर आपने लिखा a प्लस 3h, ये होगा आपके पास e की पावर 3 है, और e की पावर 3 इनटू कितना होगा आपके पास में 3h, डॉट 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 डॉट, आपके पास है f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, ये होगा e की पावर 3 है, और e की पावर 3 इंटू n माइनस 1, और साथ में कितना आपके पास h, जैसा आपने पहले लिखा था, सब कुछ सेम है। अब देखो, अब आप जब फॉर्मूला लगाओगे a से लेकर b तक, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये होगा आपके पास h टाइम्स लिमिट आपकी h अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास देखो आपका e की पावर, जो ब्रैकेट लिखोगे तो ब्रैकेट में e की पावर 3 है, फर्स्ट में भी आता है, सेकेंड में भी आता है, थर्ड में भी, और लास्ट तक आपका e की पावर 3 आता है, तो उस e की पावर 3 को मैं सबसे लास्ट में कॉमन लेके बाहर कर देता हूँ, e की पावर 3 मैंने अलग कर दिया। अब मेरे पास जो ब्रैकेट में बचते हैं f e की पावर 3, यहां से कॉमन निकालते हो तो बचता है आपके पास 1, और अगर आप सेकेंड से कॉमन निकालते हो तो बचता है e की पावर 3h, फिर बनता है आपके पास e की पावर 3 इंटू 2h, मतलब e की पावर 6h, और डॉट 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 कहां तक आपके पास e की पावर 3 इंटू एन माइनस 1h। अब देखो ये आपके पास लिमिट आपकी h अप्रोचेस टू 0, ये है आपके पास h टाइम्स, ये पूरी सीरीज आपके पास चलती है, ये सीरीज आपके पास एक जीपी है, तो जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला a कॉमन रेशियो r की पावर n माइनस 1 और अपॉन r माइनस 1, और e की पावर 3 आपका ऐसे लिखा रहा, ठीक है। अब देखो आपने लिखा h अप्रोचेस टू 0, लिमिट आपकी h अप्रोचेस टू 0, e की पावर 3 आपका ऐसे लिखा था, एक आपके पास h भी लिखा था, h टाइम्स e की पावर 3 है, और ये जो ब्रैकेट है आपके पास उसकी वो थी आपका 1 प्लस e की पावर कितना था आपके पास 3h प्लस e की पावर कितना था 6h और प्लस डॉट डॉट डॉट, e की पावर कितना था 3 टाइम्स आपके पास n माइनस 1h। देखो ये लिमिट आपकी h अप्रोचेस टू 0, ये h आपके पास ऐसे लिखा है, e की पावर 3 ऐसे लिखा है, ये चीज आपके पास जीपी है, आपने लिखा फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन रेशो इनको डिवाइड करके बना e की पावर 3h की पावर कितना आपके पास n माइनस में 1, और अपॉन में कितना होगा r माइनस 1, r माइनस 1 इज e की पावर 3h, और माइनस में कितना होगा आपके पास 1 होगा, तो देखो ये बना आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये है h टाइम्स e की पावर 3h, ये बना e की पावर 3 टाइम्स nh माइनस 1 और अपॉन आपके पास e की पावर 3h माइनस 1। अब हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था कि अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, और इसके आंसर को आप 1 लिख सकते हो,
तो देखो ये क्या बना आपके पास, ये बना आपके पास में लिमिट आपकी h अप्रोचेस टू जीरो h टाइम्स e की पावर 3h। देखो आपके पास e की पावर 3 टाइम्स nh माइनस 1, आप इसे nh से करो डिवाइड। अच्छा e की पावर इसको 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 सॉरी, e की पावर 3h माइनस 1, ये जो आपके पास e की पावर 3h माइनस 1 है, आप इसको क्या करो 3h से करो डिवाइड और 3h से कर दो आप मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब देखो e की पावर x माइनस 1 अपॉन में कितना बन गया आपके पास, वापस x बन गया भाई, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब देखो ये बना आपके पास लिमिट आपकी h अप्रोचेस टू 0, ये है h टाइम्स e की पावर 3h, e की पावर 3 टाइम्स nh। बताओ nh कितना आपके पास, nh आपने निकाला था, एनएच था 2 माइनस और माइनस 1 दैट इज 3, तो आपने बार एनएच के ऊपर क्या लिखा, आपने 3 लिख दिया। तो ई की पावर 3 माइनस में 1 अपॉन 3 टाइम्स एच, देखो ये 3 टाइम्स एच आपका ऐसे लिखा रहा, ई की पावर ये चीज आपके पास 1 बन गई है ना। अब देखो इस एच से आपका एच कैंसिल आउट हो जाता है, ये बना आपके पास लिमिट आपकी एच अप्रोचेस टू 0, e की पावर आपके पास में 3h और e की पावर 9 माइनस में कितना आपके पास 1 अपॉन में कितना है 3। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, क्लियर।